आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। और आज मैं आपके साथ टॉप 4 बेस्ट और अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर्स शेयर करने वाली हूँ, जो कि बेहतरीन है ऑयली स्किन वालों के लिए। बट उससे पहले मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँ कि ऑयली स्किन वाले अक्सर ही अपने स्किन केयर रूटीन में या तो मॉइस्चराइजर ऐड ही नहीं करते या तो स्किप कर देते, ये सोच के, क्योंकि उनकी स्किन को मॉइस्चराइजेशन की जरूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है फिर भी आपको मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है, क्योंकि मॉइस्चराइजर हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने के साथ साथ हमारे स्किन की ऑयल और सीबम के बैलेंस को बनाए रखने का काम करता है। मॉइस्चराइजर नहीं अप्लाई करके हम हमारी स्किन को मजबूर कर देते कि वो और ज्यादा ऑयल और सीबम प्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से हमें काफी सारे प्रॉब्लम्स जैसे कि पिंपल्स, एक्ने, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड, क्लॉक्ड पोर, इवन एक्सेसिव ऑयलीनेस जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सो इवन इफ यू आर हैविंग ऑयली स्किन, डू इंक्लूड अ गुड मॉइस्चराइजर इन योर स्किन केयर। आज मैं आपके साथ टॉप 4 मॉइस्चराइजर्स शेयर करूंगी। मैं स्टार्ट करूंगी नंबर 4 से और फिर आऊंगी नंबर 1 की तरफ। सो कोशिश कीजिए वीडियो को आखिर तक देखने की, क्योंकि लास्ट में मैं आपके साथ ऐसा एक टिप शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा कि ऑयली स्किन के लिए किस तरीके के मॉइस्चराइजर्स आपको चूज करने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 4 में मैंने रखा है VLCC नेचुरल साइंसेस के लवंग मॉइस्चराइजर को। VLCC लवंग मॉइस्चराइजिंग लोशन आपको पड़ेगा MRP ₹160 में 100 ml ऑफ द प्रोडक्ट, जिसमें की इंग्रेडिएंट है लवंग और नीम। पैकेजिंग की बात की जाए तो कुछ इस तरीके के बॉटल में ये आता है, जिसके ऊपर एक फ्लिप कैप कवर प्रेजेंट है जो कंप्लीट प्रोडक्ट को हाइजीनिक रखने का काम करता है। कंसिस्टेंसी इसके लोशन के फॉर्म में आती है, जो कि बहुत ही लाइट वेट लोशन है, क्विकली अब्सॉर्ब हो जाता है, ब्लेंडिंग बहुत ही आराम से इसकी हो जाती है। अगर आपकी स्किन में ऑयलीनेस के साथ साथ पिंपल्स और एक्ने के प्रॉब्लम होते हैं तो आपको ये मॉइस्चराइजर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है लवंग की, पर 10 से 20 सेकेंड में वो चली जाती है। 3 पे मैंने रखा है निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर को। निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर आपको MRP ₹120 में 50 ml ऑफ द प्रोडक्ट मिल जाएगा, जिसके की इंग्रेडिएंट है विटामिन ई एंड जोजोबा ऑयल। अगर पैकेजिंग की बात की जाए तो ये कुछ इस तरीके से जार कंटेनर में आता है, और कंसिस्टेंसी इसकी क्रीम बेस्ड है, जो कि बहुत ही लाइट वेट क्रीम है। ये स्किन में क्विकली अब्सॉर्ब हो जाती है, बटरी सॉफ्ट है, ब्लेंडिंग इसकी बहुत ही आसानी से हो जाती है। अगर आपकी स्किन में पिंपल और एक्ने जैसे प्रॉब्लम नहीं होते हैं तो ये मॉइस्चराइजिंग लोशन आपको बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेशन और नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। सो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। नंबर 2 पे मैंने रखा है ब्लॉसम कॉचर के अरोमा मैजिक मॉइस्चराइजिंग लोशन को। अरोमा मैजिक मॉइस्चराइजिंग लोशन, जो कि क्लेम करते हैं कि ये 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है, आपको MRP ₹190 में 100 ml ऑफ द प्रोडक्ट मिल जाएगा, जिसके की इंग्रेडिएंट है क्लैरिसेज, रोजवुड ऑयल एंड लेमन ग्रास एक्सट्रैक्ट। अगर पैकेजिंग की बात की जाए तो ये कुछ इस तरीके से पंप बॉटल में आता है, जो इसको बहुत हाइजीनिक बनाए रखने का काम करता है। आप यहाँ देख सकते हो मैंने इसके प्रोडक्ट को कम्प्लीटली यूज़ कर लिया है। ये बहुत ही लाइट वेट, क्विकली अब्सॉर्ब होने वाला, ईजीली ब्लेंड होने वाला मॉइस्चराइजिंग लोशन है। ये बहुत डीपली नरिश करता है, सो यू शुड गिव इट अ ट्राई। अगर आपकी स्किन ऑयली है आप इसे डे नाइट दोनों में यूज़ कर सकते हो। नंबर 1 पे माय करंट फेवरेट पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर को। सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर आपको MRP ₹204 में 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा, जिसके की इंग्रेडिएंट है हाइलोरोनिक एसिड एंड विटामिन ई। पैकेजिंग की बात की जाए तो ये कुछ इस तरीके से टब कंटेनर में आता है। कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट, बटरी, क्विकली अब्सॉर्ब होने वाला, इतना लाइट वेट जेल है जो कि आपकी स्किन में इतने आराम से अब्सॉर्ब हो जाता है, इतना बेस्ट मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है हाइड्रेशन के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए। इट इज 100 out of 100। आप इसे एज अ मॉइस्चराइजर, एज अ बेकअप बेस, एज अ प्राइमर यूज कीजिए, ऑल टाइप, ऑल सीजन के लिए। इट इज द बेस्ट मॉइस्चराइजर जेल आई हैव एवर यूज्ड। इसको आप जरूर ट्राई कीजिए। देखिए, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो हमेशा मॉइस्चराइजर चूज करते समय ये ध्यान रखिए कि वो या तो जेल बेस्ड होना चाहिए या तो वो वाटर बेस्ड होना चाहिए। कभी भी थिक कंसिस्टेंसी वाले या तो ऑयल बेस्ड वाले मॉइस्चराइजर मत यूज कीजिए अगर आपकी स्किन ऑयली है।
जेल बेस्ड और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स ऑयली स्किन वालों के ऑयल बैलेंस को बनाए रखने का काम करते हैं, उतनी ही हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं जितनी उनकी स्किन को जरूरत है और साथ ही में क्लॉक्ड पोर, पिंपल और एक्ने या फिर ब्रेकआउट जैसे प्रॉब्लम्स को भी वो दूर रखते हैं। सो हमेशा मॉइस्चराइजर्स चूज करते समय उसकी कंसिस्टेंसी पे आप ध्यान दीजिए अगर आपकी स्किन ऑयली है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसे बहुत से वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं, सो जी हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कीजिए ताकि जब भी मैं अपने न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय।